मुंबई में बहुत सारी चीज़ें फेवरेट है मेरी. सुना तो मतलब ऐसे क्या, मतलब बॉम्बे ट्रैवल तो मेरा बहुत था लेकिन कभी ऐसा सेटल होने का चांस नहीं बना, तो फाइनली मूव करा है. बट आई थिंक यहाँ पे मुझे मिट्टी भाई के वड़ा पाव बहुत पसंद है. अब मेरे को देख के काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप वड़ा पाव खा तो जाता गए बट सही जगह जा रहे हैं पता नहीं लगता. जैकेट के नीचे छुप जाता है. बट या मिट्टी भाई के वड़ा पाव, सबको की कॉफ़ी और सीलिंग की गेड़ी आधी रात में. सो या ये तीन चीज़ें तो डेफिनेटली. लास्ट ईयर हमने जब होली की थी उसके सेकेंड वीक हमने डिसाइड कर लिया था कि हम सीज़न 5 आस्था मैम के साथ ही करेंगे. सो इस बार हमने उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें रखी है, बहुत सरप्राइज रखी है जो हमने अभी तक बताया नहीं है. जो जब वो स्टेज पे आएंगे तब वो ऑडियंस देखते ही वो खुद बोलेंगे कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इवेंट ये होली का. क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम बहुत फैमिली क्राउड को भी इनवाइट कर रहे हैं. काफ़ी होली में किड्स को आने नहीं मिलता है, फैमिली को आने नहीं मिलता है, तो हम एक किड्स जोन भी बना रहे हैं जहाँ पे किड्स भी आ सकते हैं, अपना गेम वगैरह खेल सकते हैं और फैमिली भी एंजॉय कर सकती है. सो हमने ये इनके लिए बहुत सारे सरप्राइज है, बहुत एक्साइटेड है. सीज़न 5 सीज़न 4 से हम आ रहे हैं, सीज़न 5 पे हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 से लेके 18,000 लोगों को इनवाइट कर सके और 100% हम इतने लोगों को लेकर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कलर्स हैं, इस साल आपको वो सारे कलर्स दिखने वाले हैं मेरे गानों में. क्योंकि फाइनली अब मैंने थोड़ा तो आजकल मैं अपने लिरिक्स खुद लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आज के मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में. कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते बट अब मैं फाइनली इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस करना शुरू करा है तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ इस प्रोसेस को. तो अभी जो मेरा एक्चुअल में जो जोन है वो ऑलरेडी इतना कलरफुल है क्योंकि जब आप लिखने लगते हो तो आपके आसपास जो हो रहा है ना, आप छोटी छोटी डिटेल्स में ध्यान देना शुरू करते हो तो आपको हर चीज़ की खूबसूरती और ज़्यादा यू नो महसूस होने लगती है. तो मैं आजकल वो ज़्यादा फील कर रही हूँ, तो ऐसे मेरे को कलर्स सब जगह दिख रहे हैं. सो या इस साल आपको बहुत सारे कलर्स दिखने वाले हैं मेरे म्यूज़िक में भी.